तुकोगंज थाना क्षेत्र में 20 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया गया है कि फरियादी ने आरोपी को 34 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन आरोपी ने सिर्फ 14 लाख रुपए ही लौटाए हैं। दरअसल मैसर शकुन डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टर हर्षवर्धन धाकड़ ने दिल्ली के DFS एग्री फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कपिल जैन और राधिका जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने आरोपी को 30 लाख रुपए की उधारी दी है, लेकिन उन्हें 14 लाख रुपए ही लौटाए गए, जबकि अन्य राशि इनवॉइस के जरिए भेजी गई। फरियादी का कहना है कि इनवॉइस फर्जी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, सर क्या है पूरा मामला? मैसर्स शकुन डिस्ट्रीब्यूटर के हर्ष धाकड़ द्वारा एक शिकायत लिखी शिकायत दी गई थी थाने पर कि दिल्ली की एक फर्म है DFS एग्री फ्रूट के नाम से, उसके डायरेक्टर से उनका व्यापार के संबंध में 20,46,000 लगभग का लेन देन था। उस लेन देन के एवज में उनके द्वारा DFS एग्री फ्रूट के डायरेक्टर द्वारा एक इनवॉइस भेजा गया, जो कि फरियादी द्वारा कहना वो फर्जी है, क्योंकि उसके बायर्स नेम, डेस्टिनेशन वो बिल्कुल ब्लैंक है और उसमें GST भी पूरी तरह से नहीं दिया गया है। इसको देखकर उसके साथ एक इनवॉइस भेजकर धोखाधड़ी की गई, जबकि वो माल दिल्ली की कंपनी द्वारा भेजा ही नहीं गया फरियादी को। इस संबंध में शिकायत दी गई थी, शिकायत जत पर से अपराध 420, 467, 468, 470, 420 का पाया जाने से तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध। सर, लगभग कितने लाख की धोखाधड़ी का मामला है? 20 लाख लगभग के आसपास। सर, कहाँ का मतलब कहाँ का मामला है सर ये, और ये क्या काम करते थे? जो इनका भी जो मसाले का व्यापार करते हैं ये, इनका कार्यालय अपने थाना क्षेत्र में है फरियादी का, और आरोपी पक्ष दिल्ली के रहने वाले हैं, वो भी लोग और जो स्पाइस होते हैं मसाले उसका व्यापार करते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और